कर कमाई पाए रे के कर कमाई पाए तो का फीति पैसा काम रहा कौनो काम रहा तो हमसे कहा जाए ना
छिनार ना दे फूटी कौड़ी मलकी बन गए छिनौए फसा थम आई ए बेटवा रो बाजी ने जत ना बढ़े आ तो का हम उतना बढ़ाऊ कौन काम ला गई हम से कहवा कर अब हम जिंदा ही बचाई रो बाजी बेटवा चला चला करे एक ही मारी के एक ही मारी एक ही मारी काची ने रहा महाशिवरात्रि के मेला लगा रहा है। मंदिर पे गए भोलेनाथ के दर्शन करे, दर्शन करके जैसे बाहर निकलत ही भगवान भोलेनाथ के कोनो भक्त ही न दिखाने। हम सोचे अब का होई, ए गांव में आए भगवान भोलेनाथ के ढेर भक्त रहें। हम कहे तुरंत जय जय कारी कह दे नारा लगा दे मावा एकदम जय बोला बहुत बढ़िया क्या बैठवा हो लेकिन तू अच्छी तरह जानता कि आज तक हमारे घर में कभाव के कच्ची जुबान बोले नहीं मारा गरिया बड़ी दूर बा लेकिन आज दूसर के नहीं बैठवा सालिक रमो भातवा हमें मार दे गाली दे काका मार दे बाप तो होका तो खुशी मनावे चाहिए मावा खुशी मनावे चाहिए तो होकर खुशी मनावे चाहिए हाँ कि मारे तो हब्बे आज खो गिरी होई माई आज तू तो खूब गिरा होई मगर आवाज ना निकल रही होई ना बेटा मारा तो रहा मारे आगे हम बोली नहीं पावत है मावा कहा तही तोहकर खुशी मनावे चाहिए कम से कम 70-75 साल की उम्र में कम से कम हिम्मत बनाए आए मावा कितना मारी सकत हैं कितना मारी सकत हैं बुढ़ाई दाम एक दाई मरी है दुई दाई मरी है आ तेहरौनी में हमका खुशी मनावे चाही कितना मरबाई करही एक दाई मरी दुई दाई मरी आ तेरैया महाफाई लगी करे हम मारे गे याली बात बताओ दे नदी गालू तो तू हमका आई सुहाग रात वाली मगर तब हमें मार दे गाली दे केवल समय का इंतजार करूंगी बात हाँ। समय आ जाने मौका मिल जाने पे हाँ। अगर सालिग्राम भगत से इस मार का बदला ना चुका ली तो नगीना रानी नाम नहीं रे
तो बाबूजी। सबसे पहले आप सब मेरी परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ रहने वाली हूँ, मेरा शुभ नाम क्या है। बाबूजी आप सबको मालूम होना चाहिए कि मैं इसी ग्राम सभा ललितपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मंजू है। घर में हमारे ससुर जी जिनका नाम सेठ श्री सालिकराम भगत है और मेरी सासू माँ जिनका नाम नगीना रानी है और एक मेरा बेटा जिस बेटे का नाम रंजीत कुमार है और उससे भी प्यारा एक मेरा देवर है जिस देवर का नाम सतीश कुमार है। हमारे पतिदेव घर पर नहीं रहा करते हैं, वही इस वक्त बॉम्बे शहर कमाने के लिए गए हुए हैं। मैं अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ, मेरा बेटा इस वक्त स्कूल पढ़ने के लिए गया है, पर ये भी सोच रही हूँ कि मेरा बेटा भूखा होगा। कोई बात नहीं है, स्कूल से छुट्टी होने का वक्त हो गया है, बैठ करके अपने बेटे का इंतजार करती हूँ, देखो मेरा बेटा आता ही होगा। मम्मी प्रणाम। खुश रहो भैया रंजीत, खुश रहो। अरे यार सब मैं क्या देख रही हूँ, कितने आंखों से आंसू बह रहे हैं। बात क्या है जो कितने आंखों से आंसू टपक रहे हैं, किस लिए रो रहा है? मैं बता रहा हूँ मम्मी। बोल बात क्या है, किस लिए रो रहा है? नहीं देती माँ, क्या मेरी पढ़ाई आपके सर की बोझ बन गई है? मास्टर जी मुझे रोज बिगड़ते हैं, मारते हैं। अगर आज तुम मुझे फीस का पैसा नहीं दोगी माँ तो मैं विद्यालय पढ़ने के लिए कतई नहीं जाऊंगा। इतनी बड़ी जिद मम्मी, आज मैंने फीस का पैसा मांगने के लिए दादी माँ के पास गया था, दादी माँ ने फीस का पैसा नहीं दी मम्मी, बल्कि मुझे बहुत मारी मम्मी बाप। इतनी बड़ी उनकी मजाल कि फीस का पैसा भी देने से इनकार कर दी, तुझे बेरखमी के साथ मारी। कोई बात नहीं है, तुझे फीस का पैसा चाहिए ना, तुझे फीस का पैसा चाहिए तो इसके लिए क्यों चिंता करता है? तुझे फीस का पैसा चाहिए तो मेरी बात को सुन, मैं बतला रही हूँ।
ना। हाँ मम्मी। और पगले तुम्हें ये भी मालूम है कि तेरे पापा बॉम्बे शहर कमाने के लिए गए हुए हैं और उनके पास से अभी फोन आया था थोड़ी देर पहले। उन्होंने फोन में मुझसे बात किया कि देखो रंजीत की मम्मी, मैं पैसा लगा दिया हूँ और तेरे पास पैसा बहुत जल्द से जल्द पहुंचने वाला है। जिस वक्त उनके पास से पैसा आ जाएगा बेटा, वादा करती हूँ कि तुझे फीस का पैसा अवश्य दूंगी। यदि उनके पास से पैसा नहीं आता है, फिर भी वादा कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं से पैसा ला करके तुझे फीस का पैसा जरूर दूंगी। और हाँ, इतना याद रखना बेटा कि पढ़ाई में जरा सा भी गुस्ताखी मत किया कर, समझे या नहीं? पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से किया कर। मम्मी क्या बात? मैं पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करूंगा माँ। बड़ी अच्छी बात है। और तू भूखा है ना? हाँ मम्मी। चलिए मुझे खाना दीजिए माँ। पहले खाना खा फिर उसके बाद मैं। ललितपुर में आ गए हैं। इस ग्राम सभा में आते वक्त कुत्ते से जान बचाकर पहुंचा हूं। पता लगाता हूं, गांव तो आ गया हूं। हाँ, ग्राम सभा ललितपुर, वार्ड नंबर, मकान नंबर 315। मकान नंबर 315 एकदम सही जगह में पहुंचे हुए हैं। आवाज देता हूं, अगर घर में कोई होगा तो जरूर बाहर निकलेगा। अरे भैया, इस घर में कौन है? जरा बाहर निकाल। मालूम है मन क्या मधुमक्खी तरह कर रहे हैं। अरे भैया, इस घर में कौन है? जरा बाहर निकाल। इधर आओ। तुमको जरा सी शर्म नहीं आई? एक पराए मर्द को धक्का लगाते हुए मैं सरकारा आदमी होकर तुम धक्का मार दी, मेरा तभी पैर हाथ टूट जाता तो मेरा बाप दवा कराता। कोई बात, कोई सवाल नहीं, मैं किस लिए आया हूँ? सुरेंद्र बाबू का मकान यही है? जी हाँ, उनका मकान तो यही है। आप सुरेंद्र बाबू का कौन लगती हैं? आप जिनका नाम ले रहे हो, मैं उन्हीं की धर्म पत्नी हूँ। यानी धर्म पत्नी यानी औरत? जी हाँ। अच्छा, तो आपके नाम से, आपका नाम क्या है? अपना नाम तो मंजू देवी है। मंजू देवी? जी हाँ। देखो मंजू देवी, हम पोक महन हैं। पर मैंने तो पोस्टमैन सुनी थी और ये पोकमैन कभी नहीं सुनी थी। पोस्टमैन? जी नहीं, पोस्टमैन कम पढ़े लिखे होते हैं और पोकमैन ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो मतलब आप ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, इसीलिए पोकमैन कहलाते हैं। हम पोकमैन हैं। अच्छी बात है साहब। और तुम्हारे पतिदेव जो बम्बई में रहते हैं, आपके नाम से 5,100 रुपया भेजे हैं। कहने का मतलब 51,100 रुपया भेजे हुए। बड़ी अच्छी बात है साहब। हाँ। पैसे का ही इंतजार था, अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ, फीस की आवश्यकता पड़ गई है। मास्टर साहब नाराज होते हैं और वो कहता है मैं पढ़ने ही नहीं जाऊँगा। ठीक है मंजू देवी, पेन को पकड़िए और सनीचर कर दीजिए, उसके बाद मैं पैसा दे रहा हूँ,
और जाऊंगा। सिग्नेचर ना कह दे तवार उठाए के ही पे रख दे। क्या कहते हैं? सिग्नेचर कहते हैं। हाँ सिग्नेचर करो अब पैसा लो। देखा साहब सिग्नेचर वा तो करबे करबे हेमा कोनो दूर आए नहीं ना। दस्तखतिया जरूर बनाओ लेकिन सबसे पहले आप हमका पैसा तो दे। बहुत होशियार औरत हो। हम तो सोचे गवार होंगे मगर पढ़ी लिखी लग रही हो। ठीक है तुमको पैसा चाहिए तो मंजू देवी आप अपना पैसा पकड़िए गिन लीजिए वरना कल के लिए हम भी पकड़ोगी आप। गिन लूं? गिन सकती हैं। ठीक है साहब। अरे जब ठीक करोगी तब ठीक होगा। पैसा ले ली अब आप जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। आपको कौन रोक रहा है? देखो तुम एक औरत पढ़ी लिखी हो इसलिए हम तुमको पैसा थमा दिए। आप सिग्नेचर करो और हम जा रहे हैं। ठीक है साहब बतावे कहाँ करी? अगले बगले छोड़ के ही पिछवा में करबा ही करा। हाँ लिया कह देते हैं। थोड़ा धीरे से करो। रोवे लगा था हाँ सुनाए बात। हाँ, धीरे से करो वरना पन्ना बर्बाद हो जाएगा। यहाँ लिखो प्राप्त किया। तो ठीक है मंजू देवी मैं चल रहा हूँ। खर्च बर्च के लिए कुछ ना कुछ दीजिए। अब हम जा रहे हैं। अब लेना बनाया बन गया का साहेब। आखिरी बतावा पैसा तो आप ही देते बाटे। अरे जब हमारे का पैसा खुला है ये नहीं ना तो कहां से हम आपके खर्च बर्च के लिए दे साहब? यानी तुम्हारे घर पे पैसा नहीं है? नहीं साहब। यही 5100 रुपए आया हुआ तो खर्च बर्च चला गए। ठीक है चलेगा ना? चले हाँ चलेगा। आपका खर्च बर्च चलेगा। ठीक है अब की जा रहा हूँ। आऊंगा तो बेगर ले जाब ना। ठीक है साहब ऐसे बात बा तो आप नाराज ना हो। हम वादा करते ही कि अब की बार जब आऊंगा अब की मरतबे जब आऊंगा तो अब की बार जरूर दे तो। हाँ अब की हम गुब्बारा लेके आएंगे। द्वारे पहुंचेंगे ऐसे चर से करेंगे। अब तुम जो बार इकट्ठा करे रहना वही बार ला के हमको थमा देना। हम बार नहीं लेने आएंगे खर्च बर्च लेने आएंगे। हमारे बतिया आप समझ नहीं पाया। अच्छा हमारे कहे का मतलब ये बा कि अब की दोबारा जब आऊंगा हाँ। तो इंतजाम कह के रखे रहा भाई। अच्छा, अच्छा। जब अब की आऊंगा तो जरूर आपके खर्च बर्च के लिए देबे या खाली हाथ न लौटो भाई साहब। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। और रंजीत साहब चले जा रहे हैं जरा इससे नमस्ते तो कर ले। ठीक है भाई साहब जी नमस्ते। क्या नाम है साहब? मेरा नाम तो रंजीत कुमार है। कितना होनहार नाम है। पढ़ते हो? जी साहब पढ़ता हूँ। कितने में? हाई स्कूल में पढ़ता हूँ साहब। वाह रंजीत मुन्ना अगर इसी तरह से पढ़ाई करते रहोगे तो गांव में पूरे ग्राम सभा में तुम नाम रोशन करोगे। माँ बाप का नाम रोशन करोगे। इसी के साथ साथ अगर मेहनत करके दिमाग लगा के अगर पढ़ते रहोगे तो मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद है कि एक न एक दिन तुम लखनऊ के शौचालय का अधिकारी बनोगे। वाह साहेब बहुत बढ़िया आशीर्वाद आप दे। कहा था खूब पढ़ लिख ले और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर। और मेरा भी आशीर्वाद है कि मालिक चाहेगा तो एक न एक दिन जाके लखनऊ में तू शौचालय का अधिकारी बनेगा। हाँ ठीक कहा था साहब। वो चला जाए लखनऊ में शौचालय का अधिकारी बन जाए और तू ही सब नौकरी छोड़ के कहना मूत्रालय का अधिकारी। अरे
बेटा जो लखनऊ में पढ़े लिखे होते क्या कहते हैं उसे? साहब उसे सचिवालय बोला जाता है। I'm sorry. ये सॉरी क्या है? सॉरी बोला जाता है। सॉरी हाँ। अच्छा नमस्ते। ठीक है साहब नमस्ते नमस्ते। रंजीत मम्मी देख तू मुझसे पैसे की सवाल किया ना और मैं तुमसे कह रही थी कि तेरे पापा के पास से पैसा आने वाला है, जिस वक्त तो पैसा आ जाएगा मैं तुझे फीस का पैसा अवश्य दूंगी। और देखा ना कि अभी अभी पोस्टमैन साहब आया हमको 5,100 रुपया दिए। और ऐसा कर बेटा ये ले 100 रुपया, इस पैसे को ले जाके मास्टर साहब के पास फीस को जमा कर देना और पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से करना, पढ़ाई में जरा सा भी नातेफाकी मत करना ताकि तेरे पापा में तुमसे कोई सवाल करें तो उनके सवालों का जवाब तू दे सके भैया। ठीक माँ आप पढ़ने की बात कर रही हैं, माँ मैं पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करूंगा माँ। यही उम्मीद रखती हूँ भैया। और मम्मी आज ही आज जाकर के मैं अपनी